कैमूर पहुंचे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से बिहार में आपराधिक मामलों में कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है। वहीं उन्होंने एडीएम के सिंह पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब हमें पता है कि एडीएम ने लोगों के ऊपर डंडे से मारा और राष्ट्रध्वज का अपमान किया तो इस बात में इंक्वायरी बैठाने की क्या जरूरत है। जब आपके सामने साफ साफ सब कुछ कैमरे में दिख रहा है तो आप इंक्वायरी क्यों बैठा रहे हैं। आपको डायरेक्ट एडीएम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर हमारी सरकार होती तो पहले हम एडीएम को जंगल में भिजवा देते, उसके बाद इंक्वायरी करते। वही 80 घंटे होने के बाद भी एडीएम पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपनी सरकार को याद दिलाएंगे कि सरकार बदली है तो लोगों को लगे कि चाल और काम करने का तरीका भी बदल गया है। लेकिन यहाँ कैमरे में इतना बड़ा मर्डर हुआ, ना ही कोई मंत्री और ना ही सरकार सजग है। कैमूर से अभिषेक राज और धीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सिर्फ इतना कह सकता हूँ, कई तरह की राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ का सीक्वेंस को, घटना के पीछे कोई ना कोई परिस्थिति होती है, बिना परिस्थिति जन कोई घटना घटित नहीं होती। इनकी जाति दुश्मनी नहीं, इनकी जमीन की दुश्मनी नहीं, इनका चारित्रिक दुश्मनी नहीं, इनका व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। तो जब व्यक्तिगत किसी से अनहित हुआ ही नहीं और गांव घर में जमीन का झगड़ा ही नहीं तो कोई ना कोई राजनीतिक और सामाजिक परिवेश संदर्भ भी होगा ना। ये राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने की जरूरत है और घटना इसी पीछे की साजिश है। तो डायरेक्ट हम सिर्फ इतना कहेंगे कि कोई आप अपराधी को या मारने वाले को पकड़ लीजिए, मरवाने वाले को छोड़ दीजिए। तो इसीलिए हम एसआईटी जांच चाहते हैं। खास तौर पर इस इलाके का जो गरीब गुरबा लोग हैं वो तो उनके जाने से यहां से लेके बाजार तक कंप्लीट टूर हो गए। तो हम मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख रहे हैं और कोशिश करेंगे हम कि आज रात एक बार मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बातचीत इस संदर्भ में हो। आज वो नालंदा चले गए थे, हमने फोन किए लगाया था, तो नालंदा में किसी की मौत हो गई थी, दो उसी में वो गए हैं, लौटेंगे तो मेरी बातचीत इस इशू पर होगी। क्या लगता है सर, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद क्राइम बढ़ा है? अब मुझको तो समझ में नहीं आता है भैया, हम माफी के इलाके में 50 बार पहले भी मर्डर में आ चुके हैं। बगल में जितनी घटना आप उठा करके देख लीजिए, हर मर्डर में हम आए हैं। आगे ही एक गांव है जिसमें मर्डर में हम बगल में आए, मील वाले में मर्डर में आए। हर घटना के पीछे आप सरकार को नहीं जोड़िए, हर चीजों में सरकार को जोड़ देना। लाठी चार्ज भी एसटीटी जो टीम मामला है सातवें चरण का, ये 4 साल से चल रहा है सीटेट का। तो सीटेट का मामला चलेगा 4 साल से है और 10 दिन पहले आप, चूंकि नवंबर के पहले कंप्लीट रूप से सातवें चरण को आपको घोषणा करना है के रूप में वो जाने जाते हैं और शालीन व्यक्ति हैं। लड़ाई भी होगी, आवाज भी उठेगी और हम प्रयास करेंगे कि इसकी स्पेडी ट्रायल हो और जो लोग इन्वॉल्व हो उसको फांसी की सजा। इस परिवार के साथ साथ, जब वो परिवार के कभी नहीं हुए चंद्रमा जी, समाज के लिए परिवार को छोड़ दिए, बच्चों को छोड़ दिया, बच्चों की जिम्मेवारी मेरी है और हम उम्मीद करते हैं कि इनके बच्चे जिस रूप में हम उम्मीद करेंगे पढ़ाई में और आगे बढ़ने में, तो हम उस रूप से पिता की तरह खड़े हों। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। एक सवाल है, मीका में कौन कौन है? 15 दिन पहले 3 जगह कहीं फोकलैंड जला दिया, कहीं कुछ जला दिया, कहीं कुछ जला दिया। बालू की गोली चली, आड़ा में कई बार गोली चली। इन्हीं के यहाँ इसी इलाके में कितना घटना घटा है, उपेंद्र जी इस सब इलाके में, सतेंद्र जी मुखिया है वहां के, घटना ही घटित होती है। बगल में आपके यहाँ एक बच्ची का के साथ घटना घटी, एक मर्डर हुआ बगल में, अभी
रूडली मार दिया गया अभी है ना, हम गए 15 दिन पहले बक्सर। आप अपराध रुकेगा कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लगे रहिएगा पूरा थाना और पदाधिकारी शराब बेचवाने में, कितने मर्डर हुए हैं चौक पे। और जब मर्डर हुई थी तो वो क्या यूपीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी ना कि नहीं थी? मर्डर सर, सरकार बदली है, हम तो सरकार को कहेंगे। जैसे आप एडीएम को आप सस्पेंड कर देते 48 घंटे के पहले, अब भैया हम देख रहे हैं कि एडीएम मार रहा है बच्चों को, उसमें इंक्वायरी की क्या जरूरत है? पप्पू यादव होता तो हम इंक्वायरी तो करते नहीं, हम तो पहले सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड करके उठा के भेज देते किसी जंगल के जगह टैग कर देते, तब कोई इंक्वायरी की बात आती। जब मैं देख रहा हूं तो इंक्वायरी किस बात की? और इंक्वायरी के लिए आपने दे भी दिया 48 घंटे की बात कर दी तो 80 से 85 घंटा हो गया और आप कार्रवाई नहीं किए। तो हम तो अपनी सरकार को याद दिलाएंगे, यदि सरकार बदली है तो लोगों को लगे कि कैरेक्टर भी बदला, चाल भी बदला, काम भी बदला। अब इतनी बड़ी मर्डर हो गई और उसके बाद यदि सरकार सजग ना हो, कोई मंत्री संतरी सजग ना हो, वोट के घड़ी ही सजग होइएगा। और आप लोगों को लगता है कि वोट तो वैसे ही मरे हरे वैसे ही मिल जाना है, तो हम तो 2 दिन पहले आते, हम तो क्षमा चाहेंगे कि हम बहुत लेट आए। और हमने कहा है लोग जी को आप भाई जाइए, तो पहले भी लाल साहब से मैंने कहा, लाल प्रणाम बना रहे थे,